नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भिंडी खाने के फ़ायदे बताने जा रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो बगल में आने वाला घंटी का बटन है उस पर भी दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाचन संबंधी परेशानियां सीधा असर आपकी त्वचा पर भी दिखाती हैं। त्वचा को निखारने के लिए भिंडी काफ़ी उपयोगी होती है। इसमें आवश्यक फाइबर होता है जो पाचन तंत्र के लिए लाभकारी होता है। यह पाचन तंत्र को सही बनाता है, जिससे त्वचा भी स्वस्थ बनी रहती है और आपकी त्वचा खूबसूरत और दाग धब्बे रहित बनी रहती है। भिंडी में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है जो कि पाचन तंत्र के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। इससे पेट फूलने जैसी समस्याएं नहीं होती, साथ ही पेट में मरोड़ आना, कब्ज, गैस की समस्या भिंडी खाने से बहुत जल्द दूर हो जाती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भिंडी का सेवन करना उपयोगी होता है, क्योंकि भिंडी में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। इसी के साथ ही इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ शरीर की मुक्त मूलकों से रक्षा करते हैं। भिंडी खाने से आंखों की बीमारियों का खतरा भी कम होता है, इसीलिए भिंडी खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा मिनरल्स, फाइबर और विटामिन्स होते हैं, जो कि आपकी असमान स्किन टोन को सही रखते हैं और त्वचा के पिगमेंटेशन को कम करके त्वचा को खूबसूरत बनाए रखता है। भिंडी मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा उच्च होती है जो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाती है। भिंडी को खाने और भिंडी का पानी पीने से आपकी डायबिटीज में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये कुछ ही दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। विटामिन्स और मिनरल्स से भिंडी भरपूर होती है। इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम शरीर में फ्लूइड के स्तर को बैलेंस करता है, साथ ही रक्त के प्रेशर को भी स्तर और नियंत्रित बनाए रखता है। भिंडी खाने से हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित बना रहता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।